क्वेश्चन नंबर 20 ये दे रखा है ट्रायंगल और ट्रायंगल के तीन एंगल भी दे रखे हैं और यहाँ लिख रखा है 5x माइनस 3y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इससे बनाएंगे एक इक्वेशन बनाएंगे, इससे बनाएंगे अलग से इक्वेशन। इससे क्या प्रूव करना है कि ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो कैसे प्रूव करेंगे? थ्योरम लगाएंगे, वो बोथ एंड थ्योरम, यानी कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे देखो, इस एंगल निकाल दो ऐसे सिंपल आ जाएगा आपके, कोई भी एक कोण कितना है 90 हो जाएगा तो भी हो जाएगा, तीन एंगल के नाप दे रहे हैं आप। सबसे पहले देखो आपके नाप, सबसे पहले है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना आता है 180। कारण क्या है, क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए का वैल्यू x, बी का वैल्यू 3x और सी का वैल्यू कितना दे रखा है आपके y, इक्वल टू कितना दे रखा है आपके 180। ये 2 और 1 कितना हो गया आपका 3 और 1 4x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 180। अब ये वाली क्वेश्चन याद करेंगे कितना आ जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल टू उधर भेज दो माइनस का 30, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 से तो करो 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 3 जा 12x प्लस 3y 3y इज इक्वल टू 540, ये होता है 18 3 जा 540, ये कितना होता है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 30। ये दोनों सेम है, साइन भी अलग-अलग है, दोनों का काट दो। अब यहां कितना होता है 17x इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अगर इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री आया तो हो जाएगा आपके राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे वाई का वैल्यू फाइन करें जो आप चाहो तो कर सकते हो, क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। यार ये कितना दे रखा है आपके 4 का 4, x का वैल्यू कितना निकाला है 30 प्लस y इक्वल टू 180, ये होता है आपके 120 प्लस y इक्वल टू 180, उधर भेज दो y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा आपके 60 हो जाएगा y का वैल्यू। अब तीन एंगल फाइंड कर लो, सबसे पहले एंगल ए कितना है x है, x का वैल्यू फाइंड किया है 30 डिग्री, फिर है एंगल बी, एंगल बी कितना दे रखा है आपके 3x दे रखा है, मतलब 3 into 30 इक्वल कितना है आपके 90, और एंगल सी कितना हो गया आपके y का वैल्यू हमने भी फाइंड किया कितना है 60, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या होता है आपके राइट एंगल। हां साइड डिग्री होती तो अब वो बोध एंड थ्योरम लगाते हैं, साइड डी भी नहीं है तो फिर एंगल दिया हुआ है तो एंगल से हम ज्ञात कर लेंगे एक और 90 डिग्री है, सो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज ए क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल कौन सा आ गया है आपके 90 डिग्री आ गया।